दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को सबसे खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों युवराज सिंह विश्व क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिसको विश्व के सभी गेंदबाज गेंद डालने से कतराते थे। ऐसा कई गेंदबाजों का मानना था कि युवराज सिंह उनके सपने में भी आकर उनके गेंदों की धुलाई करते थे। और भाई जब से आईपीएल 2022 के लिए दो नई टीमों का ऐलान एक साथ हुआ है और मेगा ऑक्शन का आयोजन होने की तैयारी हुई है, तब से ही आईपीएल को लेकर हर दिन कुछ न कुछ नई खबर आती रहती है। तो वहीं भारतीय टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह आईपीएल की फ्रेंचाइजी से जुड़ने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कौन सी फ्रेंचाइजी है, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2022 का आईपीएल 8 नहीं बल्कि 10 टीमों के साथ में खेला जाएगा और आईपीएल में शामिल हुई दो नई टीमों का ऐलान भी हो चुका है, जिसमें पहली टीम लखनऊ की है तो दूसरी टीम अहमदाबाद की होगी। दोस्तों इन दोनों टीमों के आने से आईपीएल का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं मेगा ऑक्शन के लिए आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजी अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। दोस्तों लखनऊ की फ्रेंचाइजी अपनी टीम बनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। इस फ्रेंचाइजी ने सबसे पहले कोच एंडी फ्लावर को अपनी टीम में शामिल किया है, वहीं इससे पहले पंजाब के असिस्टेंट कोच रहे हैं। अब एंडी फ्लावर एक बेहतरीन कोच है, उनकी कोचिंग में इंग्लैंड की टीम ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद लखनऊ की टीम ने गौतम गंभीर को अपना मेंटोर बनाया है, जो कि अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बार खिताब जिता चुके हैं। वहीं इसके बाद भारत के महान क्रिकेटर विजय दाहिया को असिस्टेंट कोच बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद की टीम भी एक बेहद चौंकाने वाला फैसला दे सकती है। जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की। दोस्तों अहमदाबाद की टीम युवराज सिंह को लगभग 20 करोड़ रुपए की भारी कीमत में अपनी टीम में शामिल करके उनको अपना कप्तान बना सकती है। अहमदाबाद के मालिक सीबीसी कैपिटल काफी समय से युवराज सिंह के संपर्क में है और अब उनकी प्रतिक्रियाओं से ऐसा लग रहा है कि युवराज सिंह अहमदाबाद की टीम से कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि अहमदाबाद की तरफ से एक बेहद ही चौंकाने वाला डिसीजन साबित हो सकता है, क्योंकि अभी युवराज सिंह क्रिकेट की दुनिया से काफी समय से दूर हैं। लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने उस पोस्ट पर लिखा था कि वो जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाले हैं। अहमदाबाद की तरफ से खेलते हुए वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि युवराज सिंह विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर में से एक हैं और जिन्होंने भारत को 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 ODI विश्व कप जिताने में अहम योगदान दिया था। और 2011 के वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। वहीं उनको फाइटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2011 विश्व कप में जब वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे तब उनको कई बार खून की उल्टियां हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था। और विश्व कप खत्म होने के बाद पता चला कि युवराज सिंह को कैंसर है, फिर भी वो कई सालों तक क्रिकेट की दुनिया से दूर रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने वापसी करते हुए बेहतरीन पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी। उस मैच में उन्होंने अपने ही अंदाज में 7 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। वहीं अगर वो अहमदाबाद की टीम में शामिल होते तो ये इस फ्रेंचाइजी का अच्छा निर्णय भी साबित हो सकता है। तो वहीं दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या युवराज सिंह अहमदाबाद की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।